स्क्रॉल एरिया सेट कैसे करें। आज बताने जा रहे हैं कि स्क्रॉल एरिया सेट कैसे करें। तो स्क्रॉल एरिया मतलब हुआ कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं नेम, हम चाह रहे हैं कि कर्सर यहाँ फोर चार रो तक ही जाए। यहाँ जो कर्सर चार रो के नीचे आप कितना भी इंटर प्रेस नहीं जाए, देखिए अभी जा रहा है, अभी आप कितना भी नीचे जा सकते हैं। और हम सेट करने वाले हैं कि चार रो से नीचे कर्सर नहीं जाए और इधर आपका केमिस्ट्री का जो कॉलम है इससे बाहर नहीं, अगला कॉलम में नहीं जाएगा, जी एच आई है ना कॉलम, इसमें नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो इतना आप डाटा देख रहे हैं इससे बाहर आपका कर्सर नहीं जाएगा। आपका जो बॉक्स देख रहे हैं, सेल देख रहे हैं, जो क्लिक कर रहे हैं लेफ्ट बटन से, तो जो जा रहा है यहाँ नहीं जाएगा, केवल जाएगा तो ये डाटा के अंदर ही आपका रहेगा। इधर एफ तक कॉलम तक जाएगा और इधर चार रो तक जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम सीट पर राइट प्रेस करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो सेटिंग कर रहे हैं कि बाहर कर्सर मेरा नहीं जाएगा, इस तरह से इधर नहीं आएगा, इतना ही मेरा काम करना है। तो राइट प्रेस ऑन द सीट, सीट पर राइट प्रेस करेंगे, व्यू कोड, व्यू कोड पर जाने के बाद यहाँ जो देख रहे हैं स्क्रॉल एरिया, ये जो स्क्रॉल एरिया है A1 कोलन कहाँ तक करना है, F4 A1 कोलन F4, इसको आप क्या कीजिए, माइनस कर सकते हैं या इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कितना भी आप इंटर प्रेस कीजिए, इधर कितना भी आप प्रेस कीजिए, आपका कर्सर नहीं जाएगा। आप अपने कंप्यूटर में एक्सेल में आप ट्राई कीजिए, आपको इधर कहीं भी कर्सर आपको नहीं जाएगा। ये सीट हो गया आपका, इधर जाएगा ही नहीं, आप कितना भी इंटर मारिए आपको नहीं पता है, नहीं जाएगा। तो इसको सेटिंग को कैसे हटाते हैं, व्यू कोड पर जाइए, उसी नियम से इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए, काट दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए इधर आपका कर्सर आने लगा। ये था आपका स्क्रॉल एरिया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सेट करें। एक बार फिर से दोबारा हम बताने जा रहे हैं उसी को, राइट प्रेस, व्यू कोड, यहाँ पर कहाँ क्या करना है, A1 कोलन F4। यदि आपको चाह रहे हैं कि F5 तक जाए, पांच रो तक जाए, तो F5 कर दिए हम। अब देखिएगा कर्सर आपको, देखिए पांच तक जा रहा है, इस देखिए, देखिए आपका पाँच तक जा रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि पाँच रो तक आ रहा है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।